दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, दो तरह के, एक जिंदगी बचाने के, एक जिंदगी चलाने के। जिंदगी बचाने का जो प्रोडक्ट है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी गांव में बीमार हो जाता है तो सबसे पहले वो गांव के डॉक्टर को दिखाता है, गांव के डॉक्टर से ठीक नहीं होता तो उसके पास पैसे नहीं होते गरीब के पास, फिर शहर में भी आता है, चाहे जमीन बेचनी पड़ो चाहे कर्जा लेनी पड़ो, फिर शहर में दिखाता है, फिर ठीक नहीं होता तो बड़े शहर में जाता है, चाहे जमीन बेचनी हो चाहे कर्जा लेनी पड़ो, फिर बड़े शहर में दिखाता है, फिर भी ठीक नहीं होता तो दिल्ली आता है, चाहे जमीन बेचनी हो चाहे कर्जा लेना, क्योंकि उसे जिंदगी बचानी है और जिंदगी बचाने से कीमती कुछ नहीं है। वो साला कोई प्राइस नहीं है जो जिंदगी बचाने में कॉम्प्रोमाइज करे, और वो संजीव सर तो मरते दम तक भी नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे। मेरा मकसद, मेरा मुद्दा लोगों को ठीक करना है, लोगों की जिंदगियां बचाना है, उनकी जिंदगियों से खेलना नहीं है। तो दो कैटेगरी के दोस्तों प्रोडक्ट होते हैं, एक जिंदगी बचाने के जो आज तक हम लोग बेचते आए हैं, अब आएंगे जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट। जिंदगी चलाने का जो प्रोडक्ट होता है, मसाला, नहाने की साबुन, हाथ धोने का हैंड वॉश हो गया, टॉयलेटरी का हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, या कोई भी आइटम, वो होते हैं जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट। तो जब जिंदगी चलाने के एसएलपीएस के प्रोडक्ट आएंगे ना, वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग के आएंगे, और जो प्राइस 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 की बात करती है ना दुनिया, उनके प्राइस के बराबर नहीं, उनसे सस्ते भी आ सकते हैं और क्वालिटी उनसे 10 गुना बेहतर आएगी, कि वो प्रोडक्ट जिंदगी चलाने के होंगे और वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से आएंगे, ट्रेडिंग से नहीं आएंगे। किसी से लेके किसी को देने वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है, अपना बना के बेचेंगे। तो अब एक रेंज आएगी अगले एक साल में जिंदगी चलाने वाली, जो प्राइस प्राइस सब कुछ वैसे होंगे जो जिंदगी चलाने में हम परचून की दुकान से लाते हैं, और क्वालिटी उनसे 2 गुना 3 गुना होगी। ये आपके संजीव सर का आपसे आज वादा है। लेकिन जो जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट हैं उनमें कभी संजीव सर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज बहुत रिजल्ट आते हैं। मैं आज सुबह देख रहा था एक ललित कुमार गुप्ता, पता नहीं कोई बिहार से वीडियो था, बड़ा मजा आया देख के। 14 साल से एक लेडीज है, हड्डी चल नहीं पा रही, कमर नहीं चलती, और तो डॉक्टर थंडर ब्लास्ट दिया, 1 हफ्ते में ठीक हो गई, 8 लाख रुपए लगा चुकी। और तो डॉक्टर थंडर ब्लास्ट कितने का भाई, कितने का होगा, 4,000 का होगा, 4,200 का होगा, एक भी आया 80% ठीक हो गई, 8 लाख रुपए 14 साल से लगा चुकी। मैं जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करूं, आज के कंपटीशन को देखते हुए, आज के मार्केट को देखते हुए नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं करूंगा। बाहर में गई वो कंपनियां, वो कॉम्पिटिशन, कम कमा लूंगा, काम खा लूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जिंदगी बचाने प्रोडक्ट में नहीं करूंगा। मुझे ये चाहिए कि 8 लाख में जो आदमी ठीक नहीं हुआ वो 4,200 रुपए से इसके प्रोडक्ट लेकर ठीक हुआ। आज रोज एक पोस्ट आप लोग डाल देते हो, सर वहां बच्चा हो गया, 9 साल बाद हो गया, 10 साल बाद हो गया, 11 साल बाद हो गया, अरे मजाक है, मजाक है क्या? एक औलाद पाने के लिए माँ बाप 50-50 लाख खर्च कर देते हैं, और यहाँ 2-5 हजार के प्रोडक्ट से उनके उनके औलाद हो गई, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनको फल मिला एसएलपीएस के प्रोडक्ट लेने से, और लोग कहते हैं कि सर आप भी कॉम्प्रोमाइज करो, आपको अगर इस प्राइस वार में नहीं रहोगे तो आप हार जाओगे। नहीं रहूंगा प्राइस वार में, देखता हूँ जीतता हूँ हारता हूँ, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा प्राइस वार में, नहीं रहूंगा क्वालिटी वार में रहूंगा। जिंदगी बचाने के प्रोडक्टों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे वो 10 साल में जब किसी को बच्चा होता है, जब पोस्ट देखता हूं ना मैं, वहां से मेरी आंखें नम हो जाती हैं और सीना मेरा गर्व से ऊंचा हो जाता है कि वाह संजीव कुमार क्या प्रोडक्ट बनाए हैं। तब आता है मजा काम करने का, ऐसा लालच, ऐसा पैसा, ऐसा कॉम्पिटिशन मेरे को नहीं चाहिए भाई। हाँ जिंदगी चलाने पर आएंगे कॉम्पिटिशन, जब जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट में बना के लाऊंगा अपने, तब आते हैं कंपटीशन में, तब फिर दिखा देते हैं कि जिंदगी चलाने वाले प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है और क्वालिटी क्या होती है। वो लाएगा आपका संजीव सर 1 साल के अंदर।